छठ पर्व, छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक सूर्य उपासना का यह अनोखा पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और नेपाल के कई राज्यों क्षेत्रों में मनाया जाता है और कहा जाता है यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है। यह उनकी संस्कृति है। यह पर्व बिहार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य, ऊर्जा, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहल करने के लिए धन्यवाद और कुछ शुभकामनाएं देने का अनुरोध किया जाए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि छठ में कोई भी मूर्ति शामिल नहीं है, यानी कि छठ पूजा जो होती है उसमें किसी भी प्रकार की किसी भी मूर्ति की पूजा आराधना नहीं होती है। यह त्यौहार में अनुष्ठान काफ़ी कठोर होता है। यह 4 दिनों का एक अनूठा पर्व मनाया जाता है। इसमें पवित्र स्नान, उपासना और पीने के पानी से दूर रहने वाले लंबे समय तक पानी में खड़े होना होता है और प्रसाद और अध्या। मज़े की बात तो यह है कि यह पर्व हर पुरुष महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के मनाती हैं। छठ पूजा साल में 2 बार होती है, एक चैत मास में और दूसरा कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पंचमी, षष्ठी और सप्तमी को मनाया जाता है। एक मज़ेदार बात बताऊं, सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। किस किस को ये बात पता थी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस विषय में एक बहुत प्रचलित कथा भी है जो कि हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ इसका एक बहुत ही छोटा सा समरी टाइप कि छठ पर्व बहुत सारे लोग करते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता कि आप पुरुष हो महिलाएं हैं, नहीं, जिससे जिसका दिल होता है, जिसका मन होता है वो करता है। मनोवांछित फल पाने के लिए भी किया जाता है। जिसकी कोई मतलब मन्नत मांगी रहती है कि हमारा बेटा होगा, बेटी होगी, तो हम आपका 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का जितने मन होते हैं उतने साल का ये व्रत होता है। और इस टाइम पे जो आप देख रहे हैं कि सूर्य भगवान को शाम का अर्घ दिलाता है और ये अर्घ 2 बार दिलाता है, एक भोर में, एक शाम को ढलते सूरज का दिलाता है। और जो ये शाम वाला जो होता है हमारे यहाँ पे पानी से गंगा जल से ही इसका अर्घ दिलाता है और सुबह में शुद्ध गाय के दूध से, बिना मिलावटी दूध से इसका अर्घ दिलाता है। और इस वीडियो में शायद मैं आपको बहुत ही कम जगह मिलूं क्योंकि सारा वीडियो रिकॉर्डिंग और सारा काम मेरा ही था और कुछ वहाँ पे थे घर के इस वजह से, और मेरी शायद आवाज़ में क्या आपको लग भी रहा होगा, पता चल ही गया होगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इस मतलब पूरा काम वाम करने की वजह से। इस वजह से मैं आपको टाइम तो कोई वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। और बहुत लोग का अलग अलग होता है, बहुत लोग 5-6 दौरा का देते हैं, तो हमारे यहाँ पे मतलब जैसे जहाँ हो एक इस बड़े वाले टोकरी दौरे में दिलाता है, एक सूपा वाले दौरे में दिलाता है, फिर उसमें एक छोटा सूपा भी रखा रहता है उसमें। उसके बाद यहाँ पे हवन होता है, ये हवन दोनों टाइम होता है, शाम को भी और सुबह को भी। तो उसी के हवन के लिए यहाँ पे जलाया जा रहा है। सबसे पहले जो अर्घ देता है यानी कि जो भी पूजा करता है छठी मैया का, वो सबसे पहले करता है। उसके बाद
और जो ये दिया चलते हुए आप देख रहे हैं, ये सुबह तक चलना चाहिए। इसमें ये दिया को मतलब कि ये दिया खंडित नहीं होना चाहिए, भूतना नहीं चाहिए। और आशा करती हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपना प्यार इसी तरह बरसाते रहिएगा। धन्यवाद।